फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सन 2019 में देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी 8 नवंबर के दिन शुक्रवार को पड़ रही है और इस दिन विष्णु भगवान अपनी शरसैया से उठते हैं और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन तुलसी विवाह करना चाहिए और लोगों को अपने सभी घरों में तुलसी की कहानी सुननी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी विवाह का क्या महत्व है, विष्णु जी शालिग्राम कैसे बने और तुलसी जी कौन थी। ये सारी बातें आज मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। पुराणों में तुलसी की कथा प्रसिद्ध है कि विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी एक ऋषि के श्राप से माधवी की पुत्री तुलसी वृंदा के रूप में जन्म लेती हैं। इनका विवाह असुर शंखचूर्ण से हुआ था। तुलसी वृंदा एक महान सती थी और उनके सतीत्व के प्रभाव से अत्याचारी असुर शंखचूर्ण को कोई मार नहीं सकता था। अंत में शिव जी की आज्ञा से भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण असुर का रूप धारण किया और सती तुलसी का सतीत्व खंडित करके शंखचूर्ण का वध किया। उसके बाद भगवान विष्णु तुलसी वृंदा के श्राप से शालिग्राम बने। तुलसी माता तो माता लक्ष्मी का ही रूप थी। इस श्राप के निवारण के बाद तुलसी माँ वृंदा ने विष्णु जी से विवाह किया और उनके साथ परम धाम को लौट गई। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी मैया की पूजा आराधना करता है, उनकी आरती गाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी मैया की आरती में उनके इसी रूप का वर्णन है। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल के बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।